नमस्कार मित्रों, क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के साप्ताहिक विशेषांक में हम जानेंगे भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के बारे में। यह जो ISFR यानी इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 है, यह हमें बतलाएगा कि भारत में वन की क्या स्थिति है, कितने फॉरेस्ट एरिया हैं, कितने आपको ट्री कवर है, कितना ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट है, वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि की क्या स्थिति है, मैंग्रोव की क्या स्थिति है, साथ ही विभिन्न राज्यों के बारे में भी यह हमें बतलाएगा। इस वीडियो में हम जानेंगे डिफरेंट टर्मिनोलॉजी को जो इस रिपोर्ट में प्रयोग में लाए गए हैं, साथ ही हम लास्ट में देखेंगे बिहार का रिपोर्ट कि बिहार की क्या स्थिति है इस ISFR रिपोर्ट में। तो आइए देखते हैं। 30 दिसंबर 2019 को पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अधीन एक संगठन जो है आपको भारतीय वन सर्वेक्षण फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 को जारी कर दिया गया है। देहरादून स्थित जो भारतीय वन सर्वेक्षण है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, यह प्रत्येक 2 वर्ष पर आपको रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए सैटेलाइट के साथ चित्रण लेता है और इन चित्रों के माध्यम से देश में वनों और वृक्षों की स्थिति पर भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो है हर एक 2 साल पर जारी करता है। सबसे पहली बार यह रिपोर्ट जो है आपको 1987 में स्टार्ट हुआ था देना, उसके बाद हर 2 साल के अंतराल पर देते हुए इस बार जो रिपोर्ट आया है वह अपने श्रृंखला का 16वां रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में जो वनों का आकलन किया गया है या वन संसाधनों का जो मैपिंग किया गया है उसके लिए आपको दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्सेट 2 का प्रयोग किया गया है और उनसे आंकड़े को इकट्ठे करके फिर उसको फाइनल रिपोर्ट में कन्वर्ट किया गया है। ये रिसोर्सेट 2 क्या होता है, दूर संवेदी उपग्रह क्या होते हैं, यदि आप इसके बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्शन में जाइए, वहां इंडियन स्पेस टेक्नोलॉजी के सारे वीडियो रखे हुए हैं, आप उसे समझ सकते हैं। रिपोर्ट में सटीकता लाने के लिए आंकड़ों की जांच हेतु जो है वैज्ञानिक पद्धति अपनाई गई है ताकि हम सही से सही आंकड़ों को प्राप्त कर सकें। इस रिपोर्ट में वन एवं वन संसाधनों के आकलन के लिए पूरे देश के करीब 2200 से अधिक स्थानों का जो है आंकड़ों का एनालिसिस किया गया है। यह जो रिपोर्ट है वो आपको 2 वॉल्यूम में है। पहला वॉल्यूम जो है उसमें फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर, वेटलैंड, मैंग्रोव्स, बंबू के बारे में बताता है यह रिपोर्ट सॉरी कार्बन स्टॉक के बारे में, फॉरेस्ट फायर के बारे में, इन सब के स्टेटस को बताता है। और जो इसका दूसरा वॉल्यूम है उसमें सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में फॉरेस्ट का क्या स्टेटस है, क्या स्थिति है, उनके बारे में यह बतलाता है। इन फॉरेस्ट रिपोर्ट को समझने से पहले पहले कुछ टर्म को हम क्लियर हो लेते हैं कि फॉरेस्ट क्या होता है, आपको स्क्रब्स क्या होते हैं, किसको कहते हैं हम वेरी डेंस फॉरेस्ट यानी सघन वन, किसको कहते हैं मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट यानी घने वन, किसको कहते हैं ओपन फॉरेस्ट यानी खुला वन, किसको कहते हैं टोटल आउटसाइड फॉरेस्ट एरिया यानी TOF, किसको कहते हैं फॉरेस्ट कवर आउटसाइड द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया या ग्रीन वॉश एरिया, और किसको कहते हैं ट्री कवर। इन सारे टर्म को क्लियर होने के बाद ही आप इस रिपोर्ट के गहराई को समझ पाएंगे। देखिए, जहां 1 हेक्टेयर या उससे अधिक एरिया में वन है तो उसको हम फॉरेस्ट में काउंट करते हैं, यानी जो ये रिसोर्सेट 2 है इसके द्वारा जो इमेज लिया गया उनमें ऐसे जगहों को जहां 1 हेक्टेयर या उससे ज्यादा का एरिया था और वहां घने जंगल थे उनको फॉरेस्ट में कंसिडर किया गया, यदि वह एरिया 1 हेक्टेयर से कम है और वहां जंगल है तो उनको ट्री कवर के अंतर्गत रखा जाता है। अब जो ये घने जंगल होते हैं, फॉरेस्ट एरिया होता है, उनको फिर 3 भागों में बांटा गया है, सघन वन वेरी डेंस फॉरेस्ट, घने वन मॉडरेट फॉरेस्ट, और उसके बाद मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट या खुले वन ओपन फॉरेस्ट। सघन वन ऐसे वन होते हैं जहां 1 हेक्टेयर एरिया में आपको 70% या उससे अधिक जो है वन है तो उसको हम सघन वन कहते हैं, और अगर 40 से 70% तक उसमें वन होगा तो वो आपको घने वनों की श्रेणी में आएगा। सघन वनों के श्रेणी में आपको 70% या उससे अधिक होगा, यानी 1 हेक्टेयर का जो एरिया है उसमें अगर 70% या उससे अधिक वन का एरिया है तो वो आपको 1 हेक्टेयर मिनिमम एरिया माना जाता है। 1 हेक्टेयर या उससे ज्यादा, हो सकता है वो 500 हेक्टेयर का हो सकता है वो 1000 हेक्टेयर का हो, कम से कम 1 हेक्टेयर के एरिया को काउंट किया जाता है फॉरेस्ट के लिए। और जो घने वन होते हैं उसमें 40 से 70% तक उस एरिया में आपको वन होगा। खुले वन के लिए 10 से 40% के एरिया को माना जाता है कि अगर 1 हेक्टेयर एरिया हो या जितना भी एरिया हो 1 हेक्टेयर से ज्यादा उसमें अगर 10 से 40% तक वन है तो वह खुला वन के रूप में माना जाएगा। अगर वन का घनत्व 10% से कम हो गया उस एरिया में तो
तो फिर ऐसे में उसको हम स्क्रब में रखते हैं जहां छोटे छोटे झाड़ियां आती हैं और कहीं कहीं बड़े बड़े पेड़ होते हैं जहां पैदावार काफी कमजोर होती है और वृक्षों का घनत्व जो है 10% से नीचा होता है, उसको हम स्क्रब में रखते हैं। उसके अलावा बाकी का जो एरिया है वो आपको गैर वन क्षेत्र में आता है, नॉन फॉरेस्ट एरिया में आता है। इसके बाद जो आपको रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया होता है वो सरकार के द्वारा रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो एरिया माना जाता है जिसमें कि फॉरेस्ट है उसको हम रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया कहते हैं। इसके अंतर्गत आपको रिजर्व फॉरेस्ट एरिया, आरक्षित जो वन क्षेत्र होते हैं या सुरक्षित जो वन क्षेत्र होते हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया, वो सब कुछ आते हैं। यानी सरकार जिसको मानती है कि ये मेरा एक सर्टेन बाउंड्री ऑफ एरिया है जगह जगह पर जो मेरा रिकॉर्डेड फॉरेस्ट है, यानी यहाँ मेरे आरक्षित क्षेत्र हो सकते हैं, संरक्षित क्षेत्र हो सकते हैं या सिंपल सा फॉरेस्ट है हमारा, उसको हम रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया कहते हैं। ये रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के लिए अगर डिजिटल बाउंड्री नहीं हो कहीं पे किसी स्टेट में तो उसको हम लोग ग्रीन वास के तहत लेते हैं। अभी तक जो है केवल 23 जो है स्टेट आपको वो आपको डिजिटल जो है बाउंड्री देते हैं रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया का, तो उनके लिए टर्म रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया यूज होता है, बाकी जगह के लिए ग्रीन वास टर्म होता है। यानी रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया और ग्रीन वास ये दोनों टर्म जो है एक तरह से एक साथ ही चलते हैं। अब मान लीजिए कि किसी बार जो सर्वे हुआ उसमें फॉरेस्ट एरिया कुछ इस तरह से आया, ये आपका पूरा फॉरेस्ट एरिया आया, लेकिन सरकार का जो रिकॉर्ड था उसके हिसाब से फॉरेस्ट एरिया इतना होना चाहिए था, तो ये एरिया जो है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है पूरा ये वाला, जिसमें फॉरेस्ट सरकार के रिकॉर्ड के हिसाब से राजस्व के हिसाब से है, और जो फॉरेस्ट एरिया मैप किया गया सैटेलाइट के द्वारा वो ये आया। तो ये जो आपको एरिया एक्स्ट्रा आ गया रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया से, इसको हम कहते हैं टोटल आउटसाइड फॉरेस्ट एरिया, जो रिकॉर्डेड एरिया से बाहर आया है। और ये जो एरिया हुआ ये आपका रिकॉर्डेड एरिया भी हो गया और फॉरेस्ट एरिया भी हो गया, और ये एरिया ऐसा एरिया हुआ जहां पे कि रिकॉर्ड में तो है फॉरेस्ट लेकिन इनके जो मैपिंग है उस मैपिंग में यहाँ पे फॉरेस्ट का घनत्व नहीं पाया गया। यानी उसको फिर से देखिए कि ये एरिया जो आपका है ब्लू वाला, ये आपका फॉरेस्ट कवर आउटसाइड द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया हो गया, और ये जो येल्लो वाला है ये आपका रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया का पार्ट है लेकिन यहाँ पे आपको फॉरेस्ट नहीं मिला, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया विदाउट फॉरेस्ट कवर। और ये जो ग्रीन पार्ट है ये दोनों में कॉमन है, यानी ये एरिया जो ग्रीन पार्ट है ये रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया का ही पार्ट था और यहाँ पे फॉरेस्ट मिला भी, साथ ही ये ग्रीन एरिया जो है वो पूरे रिकॉर्डेड जो अभी इस बार का हमने रिपोर्ट में फॉरेस्ट पाया उसका भी हिस्सा है, लेकिन कुछ हिस्सा इसमें हमको ऐसे जगह फॉरेस्ट मिला जहां की रिकॉर्ड में पहले से नहीं था, वो सरकारी रिकॉर्ड में मैप नहीं किया हुआ था। अब जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बाहर का फॉरेस्ट है उसको हम जो फॉरेस्ट एरिया रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बाहर का वो ये हो गया आपको फॉरेस्ट कवर आउटसाइड द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया या ग्रीन वास, प्लस इनका जो एरिया होगा वो आपको 1 हेक्टेयर से मिनिमम या उससे ज्यादा होगा। वैसे एरिया जहां 1 हेक्टेयर या 5 हेक्टेयर, 10 हेक्टेयर, 100 हेक्टेयर में फॉरेस्ट लगे हुए हैं लेकिन वो रिकॉर्डेड एरिया में नहीं है तो वो फॉरेस्ट कवर आउटसाइड द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया हो जाएगा। लेकिन यदि कहीं पे फॉरेस्ट 1 हेक्टेयर से कम एरिया में लगा हुआ है तो उसको हम लोग ट्री कवर के रूप में देखते हैं, यानी कि वैसा एरिया जहां 1 हेक्टेयर से कम में वृक्ष लगे हुए हैं वो ट्री कवर हो गया, और वैसा एरिया जहां 1 हेक्टेयर से ज्यादा में वृक्ष है लेकिन वो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में नहीं है तो उनको फॉरेस्ट कवर आउटसाइड द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया या ग्रीन वास कहते हैं। और इन दोनों को जब हम जोड़ देते हैं तो ये टोटल आउटसाइड फॉरेस्ट एरिया हमारा निकल करके आता है, जिसमें कि फॉरेस्ट एरिया में जो जंगल आता है उससे अलग जो है आंकड़े या डाटा हमको प्राप्त होते हैं। तो हम लोग 3 तरह का डाटा रखते हैं, एक हो गया फॉरेस्ट एरिया का डाटा, एक हो गया आपको स्क्रब का डाटा, और एक हो गया आपको टोटल आउटसाइड फॉरेस्ट एरिया का डाटा। जो फॉरेस्ट एरिया होगा उसमें फिर 3 तरह का डाटा होगा, डेंस फॉरेस्ट के लिए, वेरी डेंस फॉरेस्ट के लिए, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट के लिए और ओपन फॉरेस्ट के लिए। और जो आपको स्क्रब होगा वो तो अकेले डाटा के रूप में रहेगा, और टोटल आउटसाइड फॉरेस्ट एरिया में 2 तरह का डाटा होगा, एक तो फॉरेस्ट कवर आउटसाइड द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया जहां 1 हेक्टेयर से ज्यादा का एरिया होगा उस मामले में, और जहां 1 हेक्टेयर से कम का एरिया होगा उसके मामले में उसको हम लोग ट्री कवर कहते हैं। तो अब आप क्लियर हो गए कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया या ग्रीन वास, जहां पे हमको डिजिटल बाउंड्री नहीं है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया का, उनके लिए हम ग्रीन वास कहते हैं। ऐसी भूमि के लिए हम उपयोग करते हैं जिनका किसी सरकारी अधिनियम या नियम के तहत वन के रूप में उनको अधिसूचित किया गया हो या उसे सरकारी रिकॉर्ड में वन के रूप में जो है दर्ज किया गया हो। इसमें आपको प्रोटेक्टेड एरियाज और रिजर्व एरिया आते हैं। ये जो आरक्षित वन होते हैं, रिजर्व फॉरेस्ट या संरक्षित जो वन होते हैं, प्रोटेक्टेड एरिया, इनको थोड़ा सा समझ लीजिए। जो रिजर्व फॉरेस्ट होता है आपका वो डायरेक्ट कंट्रोल में होता है गवर्नमेंट का, और इसमें पब्लिक की जो एंट्री होती है वो आपको बैन होती है, नहीं जा सकते हैं पब्लिक। ये टोटल 54% आपका टोटल फॉरेस्ट एरिया का लगभग जो है पूरे देश में आपको रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है, जहां पे कि पब्लिक को टिम्बर या ग्रेजिंग के लिए अलाउ नहीं किया जाता है। जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया होता है
वो आपको लगभग 29% है टोटल फॉरेस्ट एरिया का, लेकिन यहाँ पे आपको पब्लिक जो है वुड टिम्बर ग्रेज इन सब के लिए जा सकते हैं, लेकिन वो लोकल पीपुल होते हैं तथा वो फॉरेस्ट को डैमेज नहीं करेंगे, ये बात भी एश्योर किया जाता है। ये प्रोटेक्टेड एरिया भी गवर्नमेंट के द्वारा जो है सुपरविजन किया जाता है। अनप्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं वहां कोई भी जा सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है कटिंग ऑफ ट्री में या कैटल ग्रेजिंग में, पशुओं को चराने में, लेकिन इनकी एरिया काफी कम है फॉरेस्ट में, या करीब 18% तक जो है आपको पूरे फॉरेस्ट एरिया का है। अब आपके पास एक कॉन्सेप्ट बन गया कि क्या है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, क्या है ग्रीन वास, क्या है वेरी डेंस फॉरेस्ट, क्या है ओपन फॉरेस्ट, क्या है टोटल फॉरेस्ट एरिया आउटसाइड वाला। अब हम थोड़ा सा रिपोर्ट की ओर देखते हैं। तो 2019 का जो रिपोर्ट है इसमें जो मुख्य तथ्य सामने आए हैं कि देश में वनों से और वृक्षों से यानी फॉरेस्ट और ट्री से जो है कवर्ड कुल क्षेत्रफल जो है वो आपको है 8,07,276 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो हमारा इंडिया का टोटल एरिया है उसका वह 24.56% आपको वन और वृक्षों से कवर्ड है, यानी फॉरेस्ट और ट्री से कवर्ड है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो बनावरण है फॉरेस्ट एरिया है वो आपको जो है 21.67% है, 7,12,249 स्क्वायर किलोमीटर। और कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो ट्री कवर एरिया है जो 1 हेक्टेयर से नीचे का एरिया होता है उसके लिए है आपको 95,027 स्क्वायर किलोमीटर, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का आपको 2.89% के आसपास ट्री कवर है। वन में जो वृद्धि हुई है, फॉरेस्ट एरिया में जो वृद्धि हुई है बनाच्छादित क्षेत्रफल में, वो है 3,976 स्क्वायर किलोमीटर 0.56%। और वृक्षों में जो ट्री कवर में जो वृद्धि हुई है वो आपको है 1,212 स्क्वायर किलोमीटर यानी 1.29%। टोटल अगर हम वनावरण में बात करें वृक्ष और वन को जोड़ करके तो इसमें टोटल 5,188 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जो प्रतिशत में आपको 0.65% है। अगर हम फॉरेस्ट कवर को थोड़ा सा अलग अलग करके देखें तो जो आपको वेरी डेंस फॉरेस्ट है सघन वन है वह आपको करीब 99,278 स्क्वायर किलोमीटर है, जो टोटल वन का 3.02, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया इंडिया का जितना है उसका 3.02% है। जो आपको घने वन है मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट वो आपको करीब 3,08,472 स्क्वायर किलोमीटर है और टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 9.39% है। और ओपन फॉरेस्ट जो खुले वन है वो आपको 3,04,499 स्क्वायर किलोमीटर है और ये टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 9.26% है, यानी मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट लगभग एक समान ही प्रतिशत के रूप में उपलब्ध है। और टोटल फॉरेस्ट कवर जो हो गया इन तीनों को जोड़ करके वेरी डेंस मॉडरेट और ओपन को जोड़ करके वो आपको जो है करीब 7,12,249 स्क्वायर किलोमीटर है, जो टोटल एरिया का 21.67% है। बात करें अगर हम स्क्रब की तो जैसा कि हम जानते हैं कि स्क्रब में आपको झाड़ी वगैरह आता है तो इसका जो है आपका टोटल एरिया आपको आया है 46,297 स्क्वायर किलोमीटर और ये टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 1.41% है। और जो बाकी का एरिया है जहां किसी प्रकार का वन नहीं है नॉन फॉरेस्ट एरिया है वो आपको टोटल एरिया का 76.92% है। टोटल स्क्वायर किलोमीटर में अगर हम सबको जोड़ दें तो आपका टोटल ज्योग्राफिकल एरिया आता है 32,87,469 स्क्वायर किलोमीटर, जो आपका इंडिया का टोटल एरिया है। इसको अगर हम पाई चार्ट में देखें तो आपका बड़ा सा हिस्सा जो है आपको नॉन फॉरेस्ट एरिया है 76.92% और बाकी के जो आपको बसते हैं एरिया उसमें स्क्रब है, ओपन फॉरेस्ट है, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट है, वेरी डेंस फॉरेस्ट है। तो इन फॉरेस्ट एरिया में आप देख सकते हैं कि ओपन फॉरेस्ट और जो घने वन है मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट उनका एरिया ज्यादा है। बात करें राज्यों की तो सबसे अधिक वनावरण प्रतिशत वाले जो राज्य हैं यानी अपने टोटल एरिया में उनका जो परसेंटेज है, हालांकि टोटल एरिया वाइज सबसे ज्यादा राज्य नहीं है ये प्रतिशत में है, यानी उनका जितना एरिया है अगर 100% उसको मानते हैं तो उसमें 85% जो वन है वो मिजोरम में है। सबसे ज्यादा वन का जो प्रतिशत है अपने एरिया के हिसाब से वो मिजोरम में है। अरुणाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर है 79.63%, मेघालय तीसरे स्थान पर है 76.33%, चौथे पे मणिपुर और पांचवे पे नागालैंड है। ये सबके सब 75% से एवव अपने टोटल एरिया का वन रखते हैं। अगर हम बात करें क्षेत्रफल के हिसाब से तो क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा वन जो है वो आपको मध्य प्रदेश में है, यानी आपको प्रतिशत में सबसे ज्यादा याद रखना है मिजोरम को और क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा याद रखना है आपको मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 77,482 स्क्वायर किलोमीटर वन है, उसके बाद स्थान आता है अरुणाचल प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, उड़ीसा का और महाराष्ट्र का। ये टॉप 5 स्टेट है जहां सबसे ज्यादा वन एरिया में आपको अवेलेबल है। वैसे परसेंटेज में सबसे ज्यादा वन आपको अवेलेबल है मिजोरम में और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड में।
2019 की रिपोर्ट के हिसाब से जो वन क्षेत्र में वृद्धि करने वाले राज्य हैं उसमें टॉप पर आया है आपको कर्नाटक, जिसने कि अपना पूरा वन क्षेत्र में 1025 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि की है। उसके बाद 990 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि के साथ आंध्र प्रदेश है। उसके बाद केरल 823 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि की है। जम्मू कश्मीर ने 371 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि की है और हिमाचल प्रदेश ने 334 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि अपने वन क्षेत्र में 2019 के रिपोर्ट में 2017 की तुलना में किया है। आप इस मैप में देख सकते हैं किस प्रकार से वनों का जो है वितरण है विभिन्न राज्यों में। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है उसमें आपको कमी आई है मामूली सी, और यह 303 स्क्वायर किलोमीटर की कमी इसमें दर्ज की गई है, जो टोटल रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया का 0.05% है। इसमें कमी का मतलब ये हुआ कि सरकारी आंकड़ों में जिनको फॉरेस्ट के रूप में चिन्हित किया गया था, जितने एरिया को रिकॉर्डेड फॉरेस्ट के रूप में, उसमें से 0.05% एरिया में जो है फॉरेस्ट नहीं पाया गया। अगर बात करें रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया की, तो स्टेट से जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं उसके हिसाब से इंडिया का टोटल रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है 7,67,419 स्क्वायर किलोमीटर, जबकि डिजिटल बाउंड्री से जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया निकाला गया है वो है आपको 7,28,520 स्क्वायर किलोमीटर। जबकि फॉरेस्ट एरिया जो हमको प्राप्त हुआ है इस बार के सैटेलाइट रिपोर्ट से वो है आपको 7,12,249 स्क्वायर किलोमीटर। आपको इन तीनों का अंतर समझना होगा, जरूरत पड़े तो आप इस वीडियो को 2-3 बार देखिए ताकि आपका और भी क्लियर अप्रोच हो इसमें। अगर बात करें हम वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि की, तो आर्द्र भूमि जो आपका वह स्थल या क्षेत्र है जो खाड़ा या स्वच्छ जल से आच्छादित होता है, और इसमें जो दलदली एरिया है, तालाब है, झील है, समुद्र का जो किनारा होता है, नदी का मुहाना पर जो डेल्टा होता है, या लगातार बाढ़ से ग्रस्त जो निम्न भूमि है, वो सब कुछ शामिल होता है। लेकिन जो समुद्र के किनारे का जो एरिया होता है या नदी मुहाने पर जो डेल्टा होता है, उस पे जो भी वन आते हैं उनको हम लोग कहते हैं मैंग्रोव वंस। इसीलिए आर्द्र भूमि में मैंग्रोव्स को हटा करके बाकी का जो फॉरेस्ट के बीच में वाटर का एरिया, लॉक्ड एरिया, वाटर लॉक्ड एरिया होता है, तालाब, झील, ये सब उनको आर्द्र भूमि में हम रखते हैं। आर्द्र भूमि की स्थिति अगर हम बात करें तो भारत में कुल 62,466 जो है आपको आर्द्र भूमियां उपस्थित है। वो देश के कुल जो आपको रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया या ग्रीन वॉश एरिया है उसका 3.83% क्षेत्र को कवर करता है। भारतीय राज्यों में अगर बात करें तो गुजरात में सर्वाधिक आर्द्र भूमि मिलता है, उसके बाद दूसरे स्थान पर आपको जो है पश्चिम बंगाल है, जहां आर्द्र भूमि वेटलैंड्स काफी ज्यादा रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के अंतर्गत प्राप्त होते हैं। बात करें अगर हम मैंग्रोव्स की, तो मैंग्रोव्स ऐसे वृक्ष होते हैं जो जनरली खारे पानी में या अर्ध खारे पानी में पाए जाते हैं। मुख्यतः ये समुद्र के किनारे का जो डेल्टा का एरिया होता है उसमें मैंग्रोव्स पाया जाता है। इसका जो वृक्ष होता है उसमें स्पेशल क्वालिटी ये होता है कि उनका जो जड़ होता है वो जमीन से बाहर निकल जाता है श्वसन के लिए, जिसको न्यूमोट्रॉप्स हम लोग कहते हैं। और इनका जो फल होता है उसमें भी स्पेशल क्वालिटी होती है, उसमें बीज जो है फल के अंदर ही वृक्ष के रूप में बन जाता है और नीचे आने के बाद वो ग्रो करता है, उसको हम कहते हैं वीवीपेरी। तो ये इनके जो वन होते हैं आर्द्र भूमि में मैंग्रोव्स में, इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है आपको सुंदरबन, जहां पर कई सुंदरी वृक्ष जो है बहुत ज्यादा संख्या में पाया जाता है, जिसके आधार पर उसका नाम है सुंदरबन, और ये डेल्टाई एरिया में पाए जाते हैं। अगर हम भारत के इस रिपोर्ट में आर्द्र मैंग्रोव्स की स्थिति को देखें, तो मैंग्रोव्स के क्षेत्रफल में आपको 2017 की तुलना में 54 वर्ग किलोमीटर की जो है सो वृद्धि हुई है, जो 1.1% वृद्धि है। 2019 के रिपोर्ट में कुल मैंग्रोव का क्षेत्रफल जो आया है वो 4975 स्क्वायर किलोमीटर है। मैंग्रोव की वृद्धि करने वाले सर्वाधिक 3 राज्य में है गुजरात, जिसने 37 स्क्वायर किलोमीटर वृद्धि की है, दूसरा है महाराष्ट्र जिसने 16 स्क्वायर किलोमीटर वृद्धि की है, तीसरा है ओडिशा जिसने 8 स्क्वायर किलोमीटर वृद्धि की है। इस बार का जो रिपोर्ट था ISFR का 2019 का, इसमें पहली बार मैंग्रोव को एक चैप्टर के रूप में एड किया गया है। आप डिफरेंट स्टेट्स के मैंग्रोव वृद्धि को इस पाई चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं, जैसे कि अंडमान निकोबार में 12.39% की का मैंग्रोव कवर है, उसके बाद दमन दीव में 0.6% का है, इसी प्रकार से गुजरात में 23.66% जो है मैंग्रोव कवर है, महाराष्ट्र में जो है 6.44% है, तमिलनाडु में 0.9% है, वेस्ट बंगाल में 42.45% है, जिस सुंदरबन डेल्टा की मैं बात कर रहा था, यानी जो मैंग्रोव का एरिया है वो सबसे ज्यादा मैंग्रोव एरिया आपको है आपको वेस्ट बंगाल में। जनरली जो समुद्र के किनारे के स्टेट हैं उन्हीं में मैंग्रोव्स आपको मिलता है, जो मैंने आपको बताया, जो कि ये खारे पानी में होता है। तो सबसे बड़ा एरिया मैंग्रोव्स का है आपका वेस्ट बंगाल, जहां 42.45% जो एरिया है मैंग्रोव्स का पाया जाता है। वेस्ट बंगाल के बाद आपको गुजरात है, जहां 23.66% एरिया मैंग्रोव्स का आपको मिलता है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में आपको कार्बन स्टॉक के बारे में भी बताया गया है।
कार्बन स्टॉक क्या है उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। बेसिकली जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उनके शरीर में कार्बन पाया जाता है, शरीर ही बना हुआ है पूरा का पूरा कार्बन से। अब उन कार्बन का जो मौजूदगी होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनको हम कहते हैं बायोमास। अब वैज्ञानिक ये जो मानते हैं कि ये वायु में कार्बन की मात्रा संतुलित रहेगी तो वातावरण का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा और मृदा की जो उर्वरता है वो भी बढ़ती रहेगी। कार्बन के रूप में कार्बनिक ह्यूमिक एसिड या फ्यूमिक एसिड के रूप में वो सॉइल में जो है आपको रहता है, और सॉइल का पीएच 6 से 8 के बीच में रखता है ताकि सॉइल में फर्टिलिटी बनी रहे, पौधों की वृद्धि के लिए वो आवश्यक है। जैसे जैसे पौधा वृक्ष बनता है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड सोख करके वो कार्बन को संचित करता है, इससे ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि होती है और तापमान भी नियंत्रित होता है। तो जब पौधा कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से सोखता है तो एक तरह से वो ग्रीन हाउस गैसेस को एब्जॉर्ब करके रखता है, जिससे कि वातावरण का टेम्परेचर जो है वो आपको ज्यादा बढ़ नहीं पाता है, जो कि आप जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन में ग्रीन हाउस गैसेस का सबसे ज्यादा इफेक्ट है, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड एक बहुत बड़ा ग्रीन हाउस गैस के रूप में है। तो इस कार्बन स्टॉक में मुख्यतः यदि हम वृक्षों को बढ़ाएं तो हमारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने की क्षमता बढ़ेगी, और कार्बन जो है कार्बन को अगर हम स्टोर करना शुरू कर देंगे तो निश्चित रूप से कार्बन डाइऑक्साइड जितना ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे ऑक्सीजन उतना ज्यादा रिलीज होगा वृक्षों से, और हमारा एनवायरमेंट जो है सो ज्यादा से ज्यादा क्लीन रहेगा। तो ये जो आपका इंट्रो गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, इसने जो है कार्बन पूल के लिए 5 बातों को बतलाया है। पहला तो है एबव ग्राउंड बायोमास, यानी जमीन के ऊपर के कौन से बायोमास है, जैसे आपको पेड़ में जो लिविंग जो जिंदा पेड़ है वो सब आपको एबव ग्राउंड बायोमास है। जो भी बायोमास होगा वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलने वाला मास होगा, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो कोई और एनिमल हो। दूसरा है आपका बिलो ग्राउंड बायोमास, यानी जमीन के नीचे जो जड़ वगैरह लिविंग ऑर्गेनिज्म वगैरह है वो सारे आपको बिलो ग्राउंड बायोमास हो गया। तीसरा हो गया लिक्टर, जो आपको जमीन पर गिरे हुए पत्ते हैं, सड़ने वाले पत्ते हैं वो सब, डेड वुड जो सड़ी हुई लकड़ियां हैं जो कट चुकी हैं पेड़ से निकल चुकी है, और जो सॉइल में डिपॉजिट ऑर्गेनिक कार्बन है जो आपको ह्यूमिक एसिड या फ्यूमिक एसिड के रूप में अवेलेबल है। इन 5ों के आधार पर हम निकालते हैं कि हमारा कार्बन स्टॉक क्या है, यानी एबव ग्राउंड बायोमास में हम कितना कार्बन स्टोर कर रहे हैं, बिलो ग्राउंड बायोमास में कितना कार्बन स्टोर कर रहे हैं, या लिटर डेड वुड या सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन के रूप में कितना हम स्टोर करते हैं। इस रिपोर्ट में हमेशा यह देखा गया है कि सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन जो है वो सबसे ज्यादा कार्बन को स्टोर करके रखता है, सबसे बड़ा कार्बन स्टॉक सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन ही आपको निकल के आता है। जैसा कि आप इस पाई चार्ट में देख रहे हैं कि एबव ग्राउंड बायोमास जो है आपको 2256 मिलियन टन जो है कार्बन स्टॉक के रूप में रखे हुए हैं, बिलो ग्राउंड बायोमास जो है 701 मिलियन टन आपको कार्बन स्टॉक के रूप में रखे हुए हैं, डेड वुड्स में 36 मिलियन टन, उसके बाद लिटर्स में आपको 128 मिलियन टन, और सॉइल में जो है आपको ऑर्गेनिक कार्बन करीब 4004 मिलियन टन स्टोर्ड है। यानी सबसे ज्यादा अगर हम बात करें सॉइल में स्टोर्ड है, यानी 56.19% आपका कार्बन स्टॉक जो है वो सॉइल में है, उसके बाद 31.67% लिविंग जो प्लांट है वो कार्बन स्टॉक रखे हुए हैं। अगर हम इसको अमाउंट में देखें तो 2017 में हमारा कार्बन स्टॉक जो था वो 7082 मिलियन टन था, जबकि 2019 में यह बढ़ करके आपको 7124 मिलियन टन हो गया, यानी हम 42.6 मिलियन टन कार्बन स्टॉक को बढ़ाने में सफल हुए हैं। पर ईयर देखें तो पर ईयर हमने 21.3 मिलियन टन कार्बन स्टॉक बढ़ाया है, जिसमें एबव ग्राउंड बायोमास में हमारा जो कार्बन स्टॉक है वो 2256.5 मिलियन टन है, ग्राउंड के नीचे जो कार्बन स्टॉक है वो आपको 700.8 है, लकड़ियों में करीब वही 35.8 है, 127.9 लीटर्स में है, और 4003.6 जो है आपको सॉइल में कार्बन स्टॉक हमारा डिपॉजिटेड है। वर्तमान आकलन के अनुसार भारत में वनों का जो कुल कार्बन स्टॉक है वो 7142.6 मिलियन टन अनुमानित है, और वर्ष 2017 की तुलना में जैसा हम जान रहे हैं कि इसमें 42.6 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। भारतीय वनों के कुल वार्षिक कार्बन स्टॉक में वृद्धि 21.3 मिलियन टन है, जो कि रिपोर्ट हर 2 साल पर निकलता है इसलिए इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं, जो कि करीब 78.1 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्व करने के बराबर है, यानी हम इतना कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा एब्जॉर्व करने की क्षमता जो है इन 2 सालों में डेवलप किए हैं अपने वनों को बढ़ा करके। इसमें जो सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन है ये आपको सबसे ज्यादा बड़ा कार्बन स्टॉक बन करके उभरा है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में कुछ और बातें हैं, जैसे कि भारत में जो कुल बांस की भूमि है वो आपको 1,60,037 स्क्वायर किलोमीटर बांस की भूमि है, और 2017 की तुलना में
करीब 3229 स्क्वायर किलोमीटर की इसमें वृद्धि हुई है। पहाड़ी जिलों में जो कुल वनावरण क्षेत्र वो 2,84,006 स्क्वायर किलोमीटर है, जो उनके टोटल क्षेत्रफल का 40.3% है। इसके अलावा जनजातीय इलाकों में कुल वनावरण क्षेत्र जो है 422,351 स्क्वायर किलोमीटर है और वो उनके कुल एरिया का कुल क्षेत्रफल का 37.54 स्क्वायर किलोमीटर है। इसके अलावा आपको उत्तर पूर्व क्षेत्र में जो कुल वनावरण है वो आपको 1,70,541 स्क्वायर किलोमीटर है और वो उनके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 65% है, जबकि हम जान रहे हैं कि हमारा औसत जो है वो 24.5% के आसपास है, यानी इससे यह करीब 40% नेशनल एवरेज से ज्यादा है। इसके अलावा वर्तमान आकलन के अनुसार उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कुल वनावरण क्षेत्र में हालांकि 765 स्क्वायर किलोमीटर की जो है कमी आई है, जो कि कुल 0.45% की कमी है। इसमें असम और त्रिपुरा को छोड़कर के बाकी जितने भी उत्तर पूर्व के राज्य हैं उनके वनावरण क्षेत्र में कमी आई है। भारत में वनों पर जो ईंधन की लकड़ियों के लिए आश्रित होते हैं, सबसे ज्यादा ईंधन के रूप में वनों का प्रयोग करते हैं, उस राज्य में सबसे ज्यादा आश्रित राज्य जो है वो आपको महाराष्ट्र है, जो वन को ईंधन के रूप में उपयोग करता है। जबकि चारा या फिर फर्नीचर के लिए लकड़ी या बांस, इन सब पर सबसे ज्यादा आश्रित राज्य जो है वो आपको मध्य प्रदेश है। यह भी देखा गया कि भारत के वनों में रहने वाले लोगों द्वारा छोटी इमारती लकड़ी का दोहन, भारत के वनों में वार्षिक रूप से होने वाली वृद्धि जो है वो 7% के बराबर है, यानी फर्नीचर के लिए हम ज्यादा वनों का दोहन कर रहे हैं, उसमें वृद्धि भी हो रही है। भारत के कुल वनावरण क्षेत्र का 21.4% जो क्षेत्र है वो फायर प्रोन है, यानी ऐसे क्षेत्रों में वनों में आग लगने की संभावना काफी ज्यादा है। वो आग लगने की संभावना प्राकृतिक भी हो सकती है, जैसा बिजली गिरने से हो सकता है या वृक्षों के आपस में घर्षण होने से हो सकता है, या फिर वो मानवीय भी हो सकती है, जैसे कभी बीड़ी सिगरेट ये सब पी करके कोई जंगल में छोड़ दे या आग जलाकर छोड़ दे, तो ऐसी स्थिति में वनों में आग लग सकती है, जिससे उसका इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है, जो वहां के नेचुरल हैबिटेट है वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। अगर हम बात करें बिहार के रिपोर्ट की, इस 2019 का जो IFSR रिपोर्ट है उसमें बिहार का क्या स्टेटस है, तो इसको शॉर्ट में हम देख लेते हैं। बिहार में जो लैंड का यूज पैटर्न है कि लैंड किस प्रकार किस किस चीजों में यूज होता है, वो आपका लैंड यूज स्टैटिक्स मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का एक डाटा है 2014-15 का, पहले उसको थोड़ा सा आप देख लीजिए, ये कई जगह आपके काम आएगा। टोटल ज्योग्राफिकल एरिया जो दिया गया है वो आपको 9416 ये हजार में है, यानी आप इसको अगर ऐसे पढ़ें तो 94,16,000 हेक्टेयर है, या 94,163 अगर हम स्क्वायर किलोमीटर में देखते हैं तो 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें 93,600 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है आपको यूटिलाइज हो रहा है लैंड एरिया। जिसमें फॉरेस्ट की बात करें तो 6,220 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है आपको फॉरेस्ट में है। मैं इस डाटा को स्क्वायर किलोमीटर में आपको बता रहा हूं, एक जीरो सिंपली इसमें आपको बढ़ा देंगे तो स्क्वायर किलोमीटर में यह डाटा आपका आ जाएगा। चूंकि 1 किलोमीटर स्क्वायर बराबर आपको होता है 100 हेक्टेयर, तो यहाँ पे 1000 हेक्टेयर दिया हुआ, इसलिए सिंपली इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किलोमीटर स्क्वायर में आपका डाटा मिल जाएगा। तो 6,620 स्क्वायर किलोमीटर आपको फॉरेस्ट एरिया है, जो कि टोटल परसेंटेज का 6.64% है लैंड एरिया का, जो ये 2014-15 का मैं डाटा बता रहा हूं आपको। लैंड कल्टीवेशन के लिए जो अवेलेबल नहीं है एरिया वो आपको 21,440 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि आपको करीब 22% टोटल एरिया का है। उसके बाद आपको इसमें जो कल्चरेबल वेस्टलैंड है वो आपको 450 स्क्वायर किलोमीटर है। घास वगैरह में जो यूज किया जाता है पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड वो आपको 150 स्क्वायर किलोमीटर है। ट्री क्रॉप या इन सब में मिसलेनियस यूजेस में जो लैंड यूज किए जाते हैं वो 2480 स्क्वायर किलोमीटर है। और जो नेट सोन एरिया है जिसमें खेती होती है आपको, वो आपको 52,780 स्क्वायर किलोमीटर है, यानी टोटल एरिया का 56.39% आपको एरिया जो है नेट सोन एरिया है। अगर 2019 के इस रिपोर्ट को हम देखें तो इसमें आपको फॉरेस्ट कवर जो है बिहार का टोटल 7.76% आया है, जिसमें आपको जो काफी सघन वन है वो आपको 0.36% है, 3,313 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद जो आपको घने वन है मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट वो 3,280 स्क्वायर किलोमीटर है, 3.48%, और जो ओपन फॉरेस्ट है वो आपको 3,692 स्क्वायर किलोमीटर है, 3.92%, यानी टोटल जो आपका फॉरेस्ट एरिया है वो 7.76% के आसपास आया है। और जो छोटी झाड़ियां है स्क्रब्स है वो आपको 0.27% है, 249.88 स्क्वायर किलोमीटर। बाकी का हमारा बिहार का 91.97% एरिया जो है वो नॉन फॉरेस्ट एरिया के रूप में चिन्हित किया गया है, लेकिन इस नॉन फॉरेस्ट एरिया में आपको ट्री आउटसाइड द फॉरेस्ट एरिया जो है वो फिर मिलेगा।
अगर बात करें हम जिलों की, तो सबसे ज्यादा जो एरिया है आपका फॉरेस्ट एरिया, वो आपका कैमूर का है, 1056 स्क्वायर किलोमीटर कैमूर का एरिया है, और उसके टोटल एरिया का वो 41.12% है। यानी प्रतिशत में भी सबसे ज्यादा कैमूर के पास वन है और एरिया में भी सबसे ज्यादा कैमूर के पास वन है। उसके बाद पश्चिम चंपारण है, जिसका की 904 स्क्वायर किलोमीटर एरिया वन से फॉरेस्ट से घिरा हुआ है, यानी जो वेरी डेंस या मॉडरेट या ओपन फॉरेस्ट के रूप में चिन्हित है। उसके बाद प्रतिशत में लेकिन दूसरे स्थान पर आपको गया है, वह 29.4% उसका टोटल एरिया जो है वो फॉरेस्ट के एरिया में कवर्ड है। मैप में आप इन ग्रीन पैचेस को देख सकते हैं, जहां की सबसे ज्यादा वन होने की संभावना दिखाई दे रही है, जो ज्यादातर साउथ बिहार में है, और नॉर्थ बिहार में आपको ये पश्चिम चंपारण के एरिया में दिख रहा है। उसके अलावे बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में काफी कम मात्रा में फॉरेस्ट एरिया पाए जाते हैं, लेकिन ट्री कवर सब जगह मिलता है। बात करें वेटलैंड की, तो ये 2011 का आपका रिपोर्ट है नेशनल वेटलैंड एटलस का, उसके हिसाब से कुल 72 आपको वेटलैंड्स जो है, आपको इनलैंड वेटलैंड है जो नेचुरल है, और मैनमेड जो वेटलैंड्स है आपको वो करीब आर्द्रभूमि 285 आर्द्रभूमि मैनमेड है। अगर एरिया में बात करें तो 2573 हेक्टेयर एरिया जो है आपको नेचुरल वेटलैंड्स का है, और 3992 हेक्टेयर एरिया जो है आपको मैनमेड वेटलैंड का है। टोटल रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया या ग्रीन वास एरिया का 0.63% एरिया जो है बिहार में आपको आर्द्रभूमि के रूप में चिन्हित है। बात करें ट्री की, ट्री के कुल 113 स्पेसीज यहाँ आइडेंटिफाइड किए गए हैं। श्रब का आपका 42 स्पेसीज आइडेंटिफाइड है, और हर्ब का जो आपको है 52 स्पेसीज यहाँ पे आइडेंटिफाइड किया गया है। वनों के प्रकार की बात करें तो यहाँ ट्रॉपिकल सेमी इवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट, और ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट मुख्यतः पाए जाते हैं। अगर हम बात करें फायर प्रोन फॉरेस्ट की, तो करीब 13,745 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया का जो फॉरेस्ट है वो आपको फायर प्रोन एरिया में कवर्ड है। अगर हम बात करें कि ट्री आउटसाइड द फॉरेस्ट की, तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया या ग्रीन वास एरिया से बाहर जो हमको फॉरेस्ट मिला है वो आपको 2537 स्क्वायर किलोमीटर है, और जो ट्री कवर है यानी एक हेक्टेयर से कम एरिया वाला जो फॉरेस्ट कवर है वो आपको 2003 स्क्वायर किलोमीटर है, यानी टोटल आपको 4540 स्क्वायर किलोमीटर जो है ट्री आउटसाइड द फॉरेस्ट है। जैसा कि हमने देखा था कि 7.76% हमारा जो है फॉरेस्ट एरिया है, और उसके बाद ये जो 4540 स्क्वायर किलोमीटर है यानी कुल ज्योग्राफिकल एरिया का आपका 4540/94,163 अर्थात 0.82% एरिया आपको जो है ट्री कवर में, ट्री आउटसाइड द फॉरेस्ट एरिया में है। यानी अगर बिहार में कुल वन क्षेत्र की बात करें, जिसमें कि आपको फॉरेस्ट एरिया, श्रब और ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट तीनों को जोड़े, तो ये आपको 7.76% हुआ, ये आपको 0.27% हुआ, और ये आपको 4.82% हुआ, यानी टोटल आपका हुआ 12.85% टोटल ग्रीन कवर या वन एरिया प्लस ट्री कवर प्लस आपको आउटसाइड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया कवर सबको जोड़ करके आता है। अगर हम बात करें कार्बन स्टॉक की बिहार में, तो करीब 55.24 मिलियन टन जो है कार्बन स्टॉक बिहार के वनों में है, जो कि करीब आपको 202.55 मिलियन टन CO2 के इक्विवेलेंट है, और पूरे देश का यह जो है आपको 0.78% जो है पूरे कंट्री का कार्बन स्टॉक का हिस्सा बनता है। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक। मैंने प्रयास किया कम शब्दों में आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट बिहार के डाटे के साथ, आपको फैक्ट्स के साथ दे दूं। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन ध्यान से देखिएगा, यह आपके लिए काफी ही उपयोगी है मेंस एग्जाम के लिए, खास करके जल जीवन हरियाली मिशन के उद्देश्य से भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सही लोगों तक इसको पहुंचाइए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले।